नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीएमडी चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। आईसीआईसीआई बैंक की कर्जदार कंपनी वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की तरफ से दीपक कोचर की कंपनी में निवेश को लेकर जाँच चल रही थी। इस मामले पर ईडी अधिकारी दीपक कोचर से पूछताछ कर रहे थे। अब खबर है कि दीपक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बैंक और वीडियोकॉन ग्रुप के बीच हुई डील को लेकर ये गिरफ्तारी की गई है। दीपक कोचर से सोमवार दोपहर से ही इस मामले में पूछताछ की जा रही थी, बाद में रात में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि जांच एजेंसी ने पिछले साल की शुरुआत में चंदा कोचर, उनके पति दीपक और वीडियोकॉन ग्रुप के वेणुगोपाल धुत के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था। वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमुख वेणुगोपाल को आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से 3,250 करोड़ रुपए का लोन दिए जाने के मामले में दीपक कोचर को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में ये पहली बड़ी गिरफ्तारी है। ईडी आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से वीडियोकॉन समूह को दिए गए लोन के मामले में हुई अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और कई अन्य के खिलाफ जांच कर रही थी। कुछ दिन पहले ही वेणुगोपाल समेत चंदा कोचर और उनके पति के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। चंदा कोचर के देवर से भी पूछताछ की गई थी। इससे पहले भी आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और सीएमडी चंदा कोचर और उनके परिवार पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी। ईडी ने चंदा कोचर के मुंबई स्थित फ्लैट और उनके पति दीपक कोचर की कंपनी की 78 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया था। चंदा कोचर के खिलाफ ये कार्रवाई 2012 में आईसीआईसीआई बैंक से वीडियोकॉन को मिले 3,250 करोड़ रुपए के लोन मामले के सिलसिले में की गई थी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जिन संपत्तियों को कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी किया गया था, उनमें कोचर का मुंबई आवास और उनसे जुड़ी एक कंपनी की संपत्तियां शामिल थी। बैंक की कर्जदार कंपनी वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की तरफ से कोचर के पति की कंपनी में निवेश को लेकर गड़बड़ी के आरोपों के बाद चंदा कोचर ने अक्टूबर 2018 में इस्तीफा दे दिया था। आइए एक नजर डालते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। वीडियोकॉन ग्रुप को 2012 में आईसीआईसीआई बैंक से 3,250 करोड़ रुपए का लोन मिला था। ये लोन कुल 40,000 करोड़ रुपए का एक हिस्सा था, जिसे वीडियोकॉन ग्रुप ने एसबीआई के नेतृत्व में 20 बैंकों से लिया था। आरोप है कि वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल ने 2010 में 64 करोड़ रुपए न्यू पावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए थे। इस कंपनी को धूत ने दीपक कोचर और दो अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर खड़ा किया था। आरोप है कि चंदा कोचर के पति दीपक कोचर समेत उनके परिवार के सदस्यों को कर्ज पाने वालों की तरफ से वित्तीय फायदे पहुंचाए गए हैं। आरोप ये भी है कि आईसीआईसीआई बैंक से लोन मिलने के 6 महीने बाद वेणुगोपाल ने कंपनी का स्वामित्व दीपक कोचर के ट्रस्ट को 9 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।